बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है, जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहाँ से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया। कल ही सरकार की तख्ता पलटी हुई, उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी के द्वारा आज ऑफिस बुला गया है। लगातार पिछले 2 घंटा से अंदर कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, जो तमाम आरजेडी के एमएलए हैं या फिर एमएलसी हैं या फिर बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और अंदर ईडी ऑफिस में लालू प्रसाद यादव के साथ पूछताछ चल रही है, और कहें तो एक तरह से कार्रवाई भी, मतलब। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जो माहौल है, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, मीसा भारती भी यहाँ मौजूद हैं, और लगातार वो कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जदयू ख़त्म हो जाएगी। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, मीसा भारती भी इधर मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मीसा भारती लगातार यहाँ खुद मौजूद हैं, और अंदर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है ईडी ऑफिस में, और मीसा भारती सीधे नीतीश कुमार पर भड़की हैं। मीसा भारती क्या कर रही हैं, सबसे पहले आप वो वीडियो सुने। मतलब मैं मेजोरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी बिहार में, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं, और वो चाहते हैं कि उनके जाने से। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है, और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है, जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहाँ से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। नहीं, तो यही कारण ये कहा जा रहा था कि आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे जी। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते अच्छा, हैं विस्तार पूर्वक। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। कल को फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे, आरजेडी के साथ दरवाजे खुले? क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। मैं ये प्रश्न क्यों आ रहा है, मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी रखे। आपने सुना, मीसा भारती साफ कर रही है कि भाजपाई परेशान कर रहे हैं लालू परिवार को, नीतीश कुमार पर भी भड़के हैं और बहुत नाराज है मीसा भारती, और तमाम जितने भी आरजेडी के बड़े नेता हैं चाहे वो एमएलए हो एमएलसी हो वो यहाँ मौजूद हैं, और अंदर लालू यादव के साथ पूछताछ हो रही है। पिछले 2 घंटा से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन मीसा भारती अभी भी चाचा नीतीश कुमार पे भड़की हुई है, जिस तरह से कल सरकार की तख्ता पलट हुई उस पर भी नाराज है मीसा भारती। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।